नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कास्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पामिक, कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन बिगिन बिगिन। यस सो गाइस, आज कल अपन लोग ने स्टार्ट किया था मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड डेफिनेटली बेसिक से मैंने तुम लोगों को बताया था मर्जर्स एंड एक्विजिशन में क्या है। सो जो प्योर बेसिक है वो उसको अब अपन लोग टेक फॉरवर्ड करके आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, चलो। सो अब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे अपन लोग। आज सम्स भी करेंगे अपन लोग अपनी बुक में से, एंड डेफिनेटली एक क्विक रिवीजन तो बनता है। सो क्विकली लेट अस रिवाइज जो भी अपन लोग ने किया है, ताकि फिर अपन लोग इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। कल जो भी अपन लोग ने फॉर्मूलाज पढ़े थे, समझे थे, क्यों ना उनको दोबारा अपन लोग एक रिकैप कर ले। क्या बोलता है पब्लिक? ए पब्लिक किधर है मेरा? पब्लिक किधर है मेरा? पब्लिक किधर है? ओ ओ ओ पब्लिक आ गया, हमारा पब्लिक भी आ गया है। सो लेट द गेम बिगिन। ठीक है, बढ़िया। सो स्टार्ट करूंगा मैं एज यूजुअल। आई विल इमीडिएटली स्टार्ट विद द बेसिक्स रिवीजन और फिर आगे बढ़ेंगे, सम्स करेंगे। सबसे पहले कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? मर्जर अक्विजिशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। बेटा मर्जर का मतलब क्या होता है? मर्जर का मतलब क्या होता है? जब ए और बी ज्वाइन हो जाए और ए बी बन जाए तो हो जाता है मर्जर, जैसे कि शादी। एग्जांपल के लिए एक्सॉन मोबिल, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, डिज्नी हॉटस्टार। फिर अपन लोग ने समझा अक्विजिशन क्या होता है। अक्विजिशन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खा जाए, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अक्विजिशन। ए ने बी को अक्वायर कर लिया तो ए बी या ए कंपनी विल बिकम द मेन एंटिटी, तो उसको टारगेट कंपनी और एक्वायरर कंपनी भी बोलते हैं। एंड फिर रिवर्स एक्विजिशन, जैसे मैंने आपको खाली एक एग्जांपल के लिए बताया, जैसे कि टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील ने कोरस को जब अक्वायर किया था, इट वाज अ काइंड ऑफ रिवर्स एक्विजिशन की एक छोटी कंपनी में, एक सिक्स रैंक्ड कंपनी ने सेकेंड रैंक्ड कंपनी को उठा लिया। क्या बात है, ऐसा भी होता है। ओके, एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इज यूज्ड इंटरचेंजेबली, तो ध्यान में रखना उस बात को। फिर थर्ड चीज था कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो कई बार आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, आप कंपनी के मैनेजमेंट फाइनेंसिस को रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, ऑपरेशंस को आप रिस्ट्रक्चर करते हो। ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। वोडाफोन आइडिया इज अ क्लासिक एग्जांपल। फिर मैंने आपको बोला था आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू सम बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने को एकदम क्लियर होगा, बराबर है। जो भी शेयर्स फ्रीली अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए मार्केट में, जो बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, निफ्टी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ना, वो मल्टीप्लाइड बाय द नंबर मार्केट प्राइस पर शेयर विल बिकम माय मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर ईपीएस तो बचपन से करते आ रहे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पीई रेशियो, कल मैंने आपको बताया फंडामेंटली समझना है कि भाई एक रुपया जो कंपनी अर्न कर रही है उसके लिए कितना टाइम्स पैसा देने को रेडी है पब्लिक, इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस पर शेयर। सो कितना टाइम्स देने को रेडी है इज योर पीई रेशियो। चलो ठीक है, डन है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो था टोटल अर्निंग्स पोस्ट मर्जर। टोटल अर्निंग्स पोस्ट मर्जर क्या होता है? अक्वायरर का अर्निंग प्लस टारगेट का अर्निंग प्लस सिनर्जी गेन्स इफ एनी। क्लियर है, डन है सर। ये आप लोग ने कर लिया था। सो इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तुम लोग को, ये पोस्ट मर्जर अर्निंग्स ऑफ अक्वायरर कंपनी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ए कंपनी विच इज द अक्वायरर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी प्लस सिनर्जी गेन्स इफ एनी, एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड बाय ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज सिनर्जी गेन, सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर टू होता है स्वॉप रेशियो। स्वॉप का मतलब होता है एक्सचेंज। यहां पे क्या होता है, अक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी को कुछ शेयर्स देगी अपनी खुद के कंपनी का, टारगेट को बोलेगी तेरी कंपनी बंद कर दे, तो टारगेट कंपनी तू अपना सब शेयर्स वेयर्स मेरे को भेज दे, अक्वायरर को दे दे, और उसके लिए अक्वायरर खुद के कंपनी का शेयर्स तुम्हारे को देगा। तो कितना रेशियो में देने वाला है? से फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स है टारगेट कंपनी के पास, अभी अक्वायरर ने उसको अपना खुद का 50,000 दिया और बोला चलो पूरा तेरा 1 लाख शेयर्स हमारे को दे दे, उसके लिए हम तुमको 50,000 दे रहे हैं। सो एक्सचेंज हुआ 50,000 शेयर्स, सामने 1 लाख उसका शेयर्स अपन अक्वायरर ने ले लिया, एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज स्वॉप रेशियो। How much shares should be issued by acquirer company to target company depends on various factors. अब क्या basis पे होता है ये आज अपन लोग देखेंगे। Market price पर share पे, कभी EPS पे, कभी market cap पे, कभी NAV पे, etc. अब इसका interpretation। समझो A company wants to acquire T company and has offered a swap या exchange ratio of 1:2. तो इसका मतलब क्या होगा? 1:2 का मतलब 1 share of acquirer company for every 2 shares of target company. क्या समझे? 1 share of acquirer company for every 2 shares of target company. इसको बोलते हैं अपन लोग स्वॉप रेशियो, बराबर ना?
समझ में आया 4:5 का मतलब। नेक्स्ट देखो, मैंने शायद 4:5, अच्छा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल के थ्रू, जैसे कल किया था। तो भाई अगर 1:2 का रेशियो रखा है, इसका मतलब ये है कि भाई अक्वायरर कंपनी बोल रहा है मेरा एक शेयर ले ले तेरे दो शेयर के बदले। एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज हो रहा है? तेरे दो शेयर दे मेरे को, मैं उसको साइड पे रख दूंगा फिलहाल, और मेरे तू एक शेयर ले ले, मेरा तू एक शेयर ले ले। अच्छा एवरीवन बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? यस सर, यस सर। सो 1 शेयर ऑफ अक्वायरर कंपनी फॉर एवरी 2 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। ओके, फिर बाद में क्या था? हाँ, से फॉर एग्जाम्पल टारगेट कंपनी के पास 30,000 शेयर है, ए कंपनी के पास 20,000 शेयर। अब ए कंपनी के पास अभी क्या है, उसे कोई लेना देना नहीं है। टारगेट मीन क्या है? मीन टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 30,000। उसको क्या रेशियो दे रहे हैं? 1:2, मतलब एक शेयर ऑफ अक्वायरर, सॉरी एक शेयर दे रहे अपन लोग अक्वायरर का और 2 शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। सो 30,000 है तो तेरे दो के सामने एक मिलने वाला है, समझ रहे हो तुम लोग? सो हाफ का उसका रेशियो जाएगा 1:2 का। इससे हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, इसे हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इनटू स्वॉप या एक्सचेंज रेशियो। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर स्वॉप रेशियो 1:2 था वहां पे, फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया यहाँ पे 4:5 का स्वॉप रेशियो था, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इनटू स्वॉप रेशियो भी आ गया, एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्ड अप। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट इधर तक? ठीक है, तो ये स्वॉप रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं अपने बहुत सारी चीजें आज अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब ये स्वॉप रेशियो मैंने अभी आप लोगों को कल जो दिया उसमें गिवन था कि भाई 1:2 का स्वॉप रेशियो है, 4:5 का है। आज स्वॉप रेशियो निकालना सिखाऊंगा। हाँ, आज स्टार्ट उसी से होने वाला है। तो एक बार स्वॉप रेशियो आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि टारगेट कंपनी अपना शेयर्स स्वाहा कर रही है, खत्म कर रही है, नष्ट कर रही है, गेम ओवर कर रही है, और उसके बदले में उसको अक्वायरर कंपनी का शेयर्स मिल रहा है। समझ रहे हो ना तुम लोग? डन है ना? डन है ना? ठीक है, सो टोटल शेयर्स ऑफ अक्वायरर कंपनी क्या हो जाता है? एक तो खुद का शेयर्स, ओन शेयर्स, प्लस न्यू शेयर्स ऑफ अक्वायरर कंपनी गिवन टू टारगेट कंपनी। बराबर है? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। वो न्यू शेयर्स गिवन टू टारगेट कंपनी कैसे आता है? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इनटू स्वॉप रेशियो। ठीक है, फिर बाद में आता है कॉन्सेप्ट नंबर 3। यहाँ पे अपन लोग ने कल का डे एंड किया था अपना, कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कंबाइन हो जाता है इंक्लूडिंग सिनर्जी बेनिफिट, नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर अपने को मिल जाता है। सो स्वॉप रेशियो है यहाँ पे 0.5 का, तो अपने को अक्वायरर प्लस टारगेट कंपनी मिल गया। ईपीएस जॉइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों का डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर, नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर की तरह, ये प्री मर्जर वाला ईपीएस है, ये पोस्ट मर्जर वाला ईपीएस है, सॉरी ये पोस्ट मर्जर वाला ईपीएस है, डिवाइड बाय 1,25,000। अभी क्लियर एवरीबॉडी? तो इधर तक अपन लोग ने किया था, इधर तक अपने को पूरा सिस्टम क्लियर था, फॉर्मूला भी लिखवा दिया, ईपीएस पोस्ट मर्जर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ऑफ अक्वायरर प्री मर्जर टारगेट प्री मर्जर सिनर्जी गेन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, एक तो ए का खुद का प्लस टारगेट इनटू स्वॉप रेशियो करके जो बच आता है वो। सो इधर तक मस्त में सिस्टम सेट हो गया है। तुम लोग भी मुझे बोल रहे हो कि सर समझ में आ गया है, तो बस मुझे यही चाहिए। सच्ची बोलता हूँ, मुझे है ना जिंदगी में एक ही चीज चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे को बोले कि सर समझ में आ गया, बस 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 उसी के लिए हम जी रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कहानी को आज आगे बढ़ाऊंगा, और आज मैं आपकी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा यूजिंग यूजिंग स्वॉप रेशियो। चलो आ जाओ, हेडिंग दे देना, हाउ टू कैलकुलेट स्वॉप रेशियो। आज आपका भाई आपको पढ़ाने वाला है क्या, हाउ टू कैलकुलेट स्वॉप रेशियो। कल तक स्वॉप रेशियो आपको दिया हुआ था भाई ने, आज नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे अपन। पब्लिक एक सेकंड, करेंगे स्टार्ट। अब आप हेडिंग देंगे आज के लिए, आज का कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चल रहे भाई लोग, आज का कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था कल तक, आज हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 4? हाउ टू कैलकुलेट स्वॉप रेशियो। तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोग को कल भी, कि स्वॉप रेशियो के बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक मिनट भाई, इट कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। सो क्या है वो वेरियस फैक्टर्स? सो स्वॉप रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन
मार्केट प्राइस पर शेयर, नेट एसेट वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, और किसी भी चीज के ऊपर, ये नेट एसेट वैल्यू तो होता नहीं है, अर्निंग पर शेयर, कभी कभी बुक वैल्यू पर शेयर, इट कुड बी एनीथिंग, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। हाँ ये आ गया क्वेश्चन आगे, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। चल ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे होगा ये। अगेन आज भी ए लिमिटेड और टी लिमिटेड होगा, ए लिमिटेड अक्वायरर, टी लिमिटेड टारगेट। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी एक कंपनी है जो है ए लिमिटेड, हमारी एक कंपनी है जो है टी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड के पास है 1 लाख शेयर्स, टी लिमिटेड के पास है 75,000 शेयर्स। ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस पर शेयर है ₹100 और से 500, और टी लिमिटेड का मार्केट प्राइस पर शेयर है ₹100। नीचे हमारे को रिक्वायरमेंट दिया है, कैलकुलेट स्वॉप रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर। हाँ भाई करो, ट्राई मारो, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। एनीबडी कैन थिंक क्या होगा अब यहां पे। सो देखो अब लॉजिक से ये सुनो ना, दो मेथड है, एक है लॉजिक और दूसरा है फॉर्मूला। आपको क्या लगता है कैसे करवाना चाहिए मुझे, लॉजिक से या फॉर्मूला से? देखिए तो सही, अब इनको या तुम मुझे कितना समझे हो उसको। दो तरीके है मेरे पास, एक है मेरे पास लॉजिक का तरीका, एक है मेरे पास फॉर्मूला का तरीका। क्या लगता है आपको? जय बात। देखो फॉर्मूला से तो कराने ही वाला हूं, क्यों ना लॉजिक को यूज करके फॉर्मूला पे आऊं मैं। देखो फॉर्मूला तो आने ही वाला है भाई, बुक में सब जगह फॉर्मूला तो लिखा ही होता है, ठीक है ना। व्हाट इज मिसिंग इन टुडेज वर्ल्ड इज लॉजिक, अनफॉर्चुनेटली। सो क्यों ना लॉजिक को यूज किया जाए और लॉजिक को जरिया बना के, बेस बना के फॉर्मूला पे पहुंचा जाए, दोनों काम हो जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके सो अब लॉजिकली ये जो कंपनी है टी लिमिटेड, ये जो कंपनी है टी लिमिटेड, इसका मार्केट प्राइस है ₹100, और जो अक्वायरर लिमिटेड है उसका मार्केट प्राइस है ₹500। सर हमारे को भी दिख रहा है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को, मैं क्या बोल रहा हूँ से अभी इसका ना 10,000 शेयर्स कर देता हूँ ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, इसको मैं कर देता हूँ 10,000 शेयर्स। हाँ सो अब मेरे को बताओ, टी लिमिटेड का ए लिमिटेड के सामने क्या औकात है, टी लिमिटेड का ए लिमिटेड के सामने क्या औकात है? कैन आई से टी लिमिटेड इज जस्ट 1/5 ऑफ ए लिमिटेड, बराबर ना? क्योंकि अगर मैं ए लिमिटेड का शेयर्स लेता हूं, मैं प्योर लॉजिक से बता रहा हूं, ए लिमिटेड का शेयर्स लेता हूं, सेम से 10,000 शेयर्स ए लिमिटेड का लेता हूं, इनटू 500 जो उसका मार्केट प्राइस पर शेयर है, इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरा हो जाता है 50 लाख रुपया, ये मेरा हो जाता है 50 लाख रुपया। एंड सामने मेरे पास है टी लिमिटेड, सेम शेयर्स लेता हूं मैं टी लिमिटेड का भी, 10,000 शेयर्स लेता हूं मैं, तो इनटू अगर मैं इसका 100 का मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है वो लेता हूं, तो कहना इसे 10 लाख हो जाता है मेरा करके, कहना इसे मेरा करके 10 लाख रुपए हो जाता है। तो अब ए लिमिटेड है और दूसरा टी लिमिटेड है, अब अगर मेरे पास ये दोनों है तो यहां पे मैं बोलूं इसको कि भाई ये तो तू तो 1/5 है इसका, फॉर द सेम नंबर ऑफ शेयर हंसा, फॉर द सेम नंबर ऑफ शेयर कहना इसे ए लिमिटेड हैज 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ टी लिमिटेड। तो अगर मेरे को अभी ए लिमिटेड टी लिमिटेड को अक्वायर कर रहा है और अपना शेयर दे रहा है, तो कहना इसे उसको उसका खाली 1/5 शेयर्स देने की जरूरत है, लॉजिकली उसको खाली 1/5 शेयर्स देने की जरूरत है। ये 1/5 आया कहां से, कहना इसे 100/500 पे, कहना इसे 1/5, कहना इसे यही बन जाएगा स्वॉप रेशियो, कहना इसे यही बन जाएगा स्वॉप रेशियो। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, और अपना फॉर्मूला क्या था, टारगेट कंपनी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय स्वॉप रेशियो। सो अगर टारगेट कंपनी का 10,000 शेयर्स है इंटू 1/5, कि भाई एक के सामने तेरा तो 5 ही है ना, 100 के मार्केट प्राइस के सामने यहाँ पे तेरा मार्केट प्राइस तो 500 है, तो
तो भाई तेरे को तो 150 मिलना चाहिए यार, अंडरस्टैंडिंग. सो कहना इसलिए तेरे को मेरी कंपनी का खाली 2000 शेयर्स भी दिया ना, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू होल्ड, आई मीन नंबर द वैल्यू दैट यू होल्ड. सो आज की तारीख में टी लिमिटेड का प्री मर्जर, अगर मैं बोलता हूं प्री मर्जर 10 लाख रुपए का वैल्यू है, 10 लाख का वैल्यू है. कैसे? मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स बराबर है 10 लाख का वैल्यू है. तो टी लिमिटेड क्या बोलेगा कि भाई देख प्री मर्जर मेरा 10 लाख का वैल्यू है, पोस्ट मर्जर भी मेरे को 10 लाख का वैल्यू दे दो तो प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे भाई ए लिमिटेड तू उसको कुछ ऐसा दे कि उसका भी 10 लाख ही हो जाए. तो मैंने बोला ठीक है मैं मेरी कंपनी का 1/5 दूंगा. कहां से आया? 100/500. तो मेरी कंपनी का मैंने 2000 शेयर दिया एट द रेट, मेरी कंपनी का तो 500 पर शेयर है, कैन आई से इक्विवेलेंट उसको 10 लाख रुपया ही तो मिल रहा है. अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, बोलो बोलो, चल चल. इन शॉर्ट स्वॉप रेशियो यहाँ पे क्या बना, कैन आई से स्वॉप रेशियो बना यहाँ पे, स्वॉप रेशियो बना यहाँ पे, क्या बना, क्या बना स्वॉप रेशियो? इट इज मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरर कंपनी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड फॉर्मूला क्या बना? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय अक्वायरर कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर अगर हुआ तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इट विल बी टारगेट कंपनी शेयर्स जो कि थे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरर कंपनी. हे समझ गए एवरीबॉडी? बोले दो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? इसी के साथ मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर चुका हूं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. किसी को कोई शक, कोई डाउट? बोलो ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? समझ गए? अच्छा अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मेरे फ्लो में कंटिन्यू कर रहा हूं. मेरे फ्लो को कोई ना तोड़, मेरे फ्लो को ना तोड़ो. अभी सुनो, अभी सुनो. एग्जाम्पल नंबर टू, अक्वायरर कंपनी बोलता है मेरे पास 1 लाख शेयर्स है, टारगेट कंपनी बोलता है मेरे पास 3 लाख शेयर्स है. हाँ 3 लाख शेयर्स है. अक्वायरर कंपनी बोलता है मेरा ईपीएस है 25, टारगेट कंपनी बोलता है मेरा ईपीएस है, इसको ओपन करता है, ईपीएस है 30, टारगेट कंपनी बोलता है 15. कैलकुलेट, चलो सीधा में डालता हूं, कैलकुलेट टोटल शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड पोस्ट एक्विजिशन. 2 मिनट तक मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हाँ भाई टाइम इज अप.
फाइनल आंसर पब्लिक आ चुका है, 2,50,000 शेयर्स। अब मैंने सीधा तुम लोग को धक्का दे दिया स्विमिंग पूल में, जाओ तैर कराओ, और तुम तैर कर क्या ही आए हो यार, एक नंबर ना, शाबाश। देखो अपने को शेयर्स टोटल फाइंड करने हैं पोस्ट एक्विजिशन, बट उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि टारगेट को कितने मिल रहे हैं। सो शेयर्स ऑफ टारगेट, या शेयर्स टू बी गिवन टू टारगेट कंपनी, शेयर्स टू बी गिवन टू टारगेट कंपनी, बोलो कितना देंगे अपन। सो वी विल से दैट अभी करंटली कितने शेयर्स है टारगेट के पास, तो शेयर्स ऑफ टारगेट मल्टीप्लाई बाय स्वॉप रेशियो। इस स्वॉप रेशियो में क्या है, इस स्वॉप रेशियो में क्या है, ईपीएस के बेसिस पे करना है बेटा, ईपीएस के बेसिस पे। सो ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन ईपीएस ऑफ अक्वायरर कंपनी। शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी कितना है, 1 लाख, सॉरी टारगेट सॉरी 3 लाख। सो 3 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी इज 15/30, मतलब इसको मिल जाएंगे 1,50,000 शेयर्स ऑफ अक्वायरर कंपनी। सही है, परफेक्ट। सो देयरफॉर पोस्ट एक्विजिशन दो होंगे, एक अक्वायरर के ओरिजिनल, कितने थे ओरिजिनल उसके, 1 लाख शेयर, प्लस न्यू शेयर्स इश्यूड बाय अक्वायरर टू टारगेट, 1,50,000 शेयर्स। दोनों मिला के बन गए 2,50,000 शेयर्स। समझू बच्चे, एवरीबॉडी आया समझ में, मजा आया, बढ़िया, चलो क्लियर है। तो अब आई थिंक आप लोग को इतना सिस्टम सेट हो चुका है, क्या अभी तक जो भी हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट है क्या बच्चा, अभी तक जो भी हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर्स चालू करें, प्लीज एक बार थम्स अप दे दो सब, प्लीज एक बार डैप दे दो, अगर डैप भी दे दिया तो भी मैं स्टार्ट कर सकता हूं फिर अग से। अच्छा सबने डैप दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि इजी सम से चालू करूं या डिफिकल्ट सम से, इजी सम से, सर पहले इजी करवाओ फिर डिफिकल्ट करवाओ। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, डिफिकल्ट हो, क्या बात है यार, तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो, तुम लोगों को तो सब आता है भाई, डिफिकल्ट सीधा, अच्छा ऐसा, चलो एनीवेज। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ऑल द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू आर मॉड्यूल आईसीएम मॉड्यूल सम्स पास्ट पेपर सम्स। सो इतना अगर आपने कर लिया, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अब तक। चलो स्टार्ट करते हैं। द एबीसी लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू अक्वायर एक्स वाई जेड लिमिटेड बाय मर्जर एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज। एबीसी लिमिटेड है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, चलो। सो देखो एबीसी लिमिटेड कौन है, मेरा कहना इसे अक्वायरर है, पहले वो लिख देने का ऊपर बेटा, पहले वो लिख देने का ऊपर। सो ये हो गया मेरा अक्वायरर। अच्छा एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या है, मेरा कहना इसे टारगेट है, लिख देने का टारगेट। ओके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, मार्केट वैल्यू पर शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, मार्केट वैल्यू पर शेयर हो गया 42/28। व्हाट इज द प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनीज, क्या इसके लिए आपको मेरी जरूरत है क्या, लिखना बाकी है तो तुम लोग अभी लिखने में टाइम डालोगे तो डालो, क्या बोलूं मैं, मेन मेन फॉर्मूला लिख लो, चलो ये फॉर्मूला लिख लो, कल वाला तो तुम लोग के पास है अवेलेबल नोट्स, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, चलो फटाफट कम ऑन।
चल मुद्दे पे आते हैं। आंसर्स आना चालू हो गए हमारे बच्चों के, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनीज? सबसे पहले तो हम लिखेंगे फॉर्मूला। सो ठीक है, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं। फटाफट फटाफट, कम ऑन। गुड गुड टू सी ऑल वर्किंग आउट। पहला क्वेश्चन का आंसर ही तुम लोग से आ रहा है अगर, सो आई थिंक इससे अच्छी बात, बड़ी बात और कुछ भी नहीं है। ग्रेट गोइंग गाइस, कीप गोइंग। शाबाश एवरीबॉडी इन द हाउस, मेक सम नॉइस फॉर योरसेल्फ बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेट मी टेल यू। कमांड। हुआ सब लोग का डन। ए अभी तक ईपीएस ही कर रहे हो, फटाफट कर ले। चलो सबसे पहले तो ईपीएस निकालना है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ईपीएस जब निकालना हो ना तो उसका फॉर्मूला लिख लो भाई। ईपीएस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इन्होंने बोला है ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनीज प्रेजेंट लेवल पे, मतलब अभी क्या ईपीएस चल रहा है वो अपने को बताना है। तो बोलो बोलो टल टल क्या आएगा? तो प्रेजेंट ईपीएस अक्वायरर का, टारगेट का, अक्वायरर का, देखो फॉर्मूला अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन में ही दे दिया है बेटा सब चीजें। डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना है? 50 लाख एंड 18 लाख। सो 50 लाख 18 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 10 लाख 6 लाख। अर्निंग पर शेयर है 5 एंड यहां पे है 3। पहला सवाल जो उन्होंने पूछा था वो अपना कंप्लीट हो गया है, दूसरे सवाल पे चलेंगे। इफ द प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस, ओके, व्हाट विल बी द न्यू अर्निंग्स पर शेयर फॉर ईबीसी लिमिटेड? ओके, अज्यूम दैट द मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। सो कैन आई से सेकेंड? अपने को पहले फाइंड करना है स्वॉप रेशियो विच इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या अपने को ये चीजें कैलकुलेट करनी आती है? द आंसर इज यस। अपन बोलेंगे शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, फ्लो देख रहे हो, फ्लो देख रहे हो अभी आपका, शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरर कंपनी। अच्छा शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी कितना है? बोलो बोलो कितना है? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी कितना है बेटा? 28 एंड 42। सो मल्टीप्लाई बाय 28 बाय 42, बोलो कितना आता है? यस इट इज रुपी, इट इज 4 लाख शेयर। ठीक है, इट इज 4 लाख शेयर्स। डन। सो पोस्ट एक्विजिशन शेयर्स, बोलो एक ओरिजिनल शेयर्स, सॉरी एक ओरिजिनल शेयर्स प्लस दूसरा शेयर्स ऑफ, शेयर्स गिवन टू टारगेट कंपनी, शेयर्स ऑफ अक्वायरर कंपनी गिवन टू टारगेट कंपनी ऑफ अक्वायरर। अभी सुनो ना, फर्स्ट सम है,
तो इतना शिद्दत से लिख रहे हैं, बाद में थोड़ा और लेवल बढ़ाते जाएंगे गाइस। अच्छा ओरिजिनल कितने थे? 10 लाख शेयर तो थे ही उसके पास ओरिजिनल। अच्छा शेयर्स ऑफ अक्वायरर कंपनी गिवन टू टारगेट कंपनी कितने? अभी इधर अपन ने देखा 4 लाख शेयर्स, तो कितने हो गए टोटल? करेक्ट 14 लाख शेयर्स। ठीक है डन। चलो अब ईपीएस बताओ, पोस्ट एक्विजिशन ईपीएस बताओ, बोलो बोलो, चल चल कम ऑन। चलो सो देयरफॉर पोस्ट एक्विजिशन या एबीसी लिमिटेड ईपीएस पोस्ट मर्जर इज इक्वल टू 50 लाख प्लस 18 लाख डिवाइड बाय 14 लाख फोर पॉइंट एट सिक्स या 4.857 पर शेयर। क्या आपका भी यही आया है? अच्छा एवरीबॉडी थर्ड पार्ट देखो क्या बोला है, सुनो थर्ड पार्ट देखो क्या बोला है। व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ, थर्ड पार्ट पे आ जाओ प्लीज, इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वॉन्ट्स टू एंश्योर अर्निंग्स टू मेंबर्स आर सेम एज बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस। अर्निंग्स टू मेंबर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट ईपीएस। समझे क्या? राज भाई, राज भाई कहां पे अटक गया, बोल बेटा। करेक्ट अर्निंग्स टू मेंबर्स मतलब ईपीएस, तो ईपीएस के बेसिस पे अपने को यहां पे निकालना है। यस वी विल डू दैट। क्लियर क्लियर राज भाई कहां पे अटका, ये देखना, ये तो अपना सिंपल फॉर्मूला है राज भाई। सो थर्ड पॉइंट, राज भाई को छोड़ के सब लोग आ गया, राज भाई का राज कट ऑफ। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बेटा, वीक थर्ड पॉइंट क्या बोलता है देखो, अर्निंग्स टू मेंबर्स एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन अर्निंग्स टू मेंबर्स दैट इज ईपीएस, सही है? ओके अच्छा, शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाई बाय ईपीएस ऑफ टारगेट ईपीएस ऑफ अक्वायरर। अच्छा शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी कितना है? सिक्स लाख इंटू ईपीएस, अपन लोग ने निकाल लिया खुद ही, ईपीएस ऑफ टारगेट देखो कितना है 3/5 इक्वल टू 3,60,000 शेयर, सही है? दैट इज एबीसी लिमिटेड विल इश्यू 3,60,000 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड टू एक्स वाई जी लिमिटेड। चलो अभी कंबाइंड ईपीएस पोस्ट मर्जर क्या आएगा? कंबाइंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। समझ रहे क्या कर रहा हूं मैं? देखो इन्होंने क्या पूछा, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड वांट्स टू इंश्योर दैट सेम एज बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस। तो हमने वो निकाल लिया कि भाई 3,60,000 शुड बी इशूड 3:5 0.6 का स्वैप रेशियो रहेगा। बट ये मैं खाली एक एक्स्ट्रा चीज निकाल के दिखा रहा हूं कि कंबाइंड ईपीएस क्या आ जाता है पोस्ट मर्जर। सो वो तो अपने को पता है भाई 68 लाख इसका टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 50 प्लस 18 लाख अपॉन कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 10 लाख प्लस 3,60,000 13,60,000
बोलो कितना आता है ये? यस इट इज रुपीज ठीक है। अब सुनो, अब थोड़ा लॉजिक, एक कदम आगे सोचना सिखा रहा हूं मैं, सिखाऊ ना, एक कदम आगे सोचना सिखा रहा हूं। अब सुनो, सोचो तुम्हारा, तुम टारगेट कंपनी हो, सोचो तुम टारगेट कंपनी हो ठीक है ना, तुम्हारे पास टारगेट कंपनी का शेयर है। सपोज यू हैड टारगेट कंपनी शेयर्स प्री मर्जर, बिफोर मर्जर यू हैड टारगेट कंपनी शेयर्स, तो आपको देखो अभी क्या मिला है, 6 लाख शेयर्स के सामने आपको 3,60,000 शेयर्स मिला है, बराबर है। पहले ईपीएस था आपका 3 पर शेयर, पहले ईपीएस था 3 पर शेयर, टोटल वैल्यू कितना हो गया? 18 लाख, बराबर है। अब 3,60,000 है, बट ईपीएस पर शेयर कितना है? 5 पर शेयर है। अब पोस्ट मर्जर 5 पर शेयर है ना, अब तुम्हारे को पोस्ट मर्जर 360 मिला, 5 पर शेयर, तो 360 × 5 पर शेयर करोगे तो भी आपका 18 लाख ही आएगा, एंड दैट इज व्हाट वाज टोल्ड। व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ दे वांट टू इंश्योर अर्निंग टू मेंबर्स आर सेम बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस, हेंस प्रूव। समझे क्या पब्लिक? प्री मर्जर पोस्ट मर्जर, डन। बोल दो एक बार कंप्लीट सर, समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू। ये डिफिकल्ट सम तो नहीं था? हाँ, तो मैं क्यों बोला डिफिकल्ट सम था, मुझे इजी सम ही देना था। स्टार्ट में डिफिकल्ट सम दे दूंगा तो तुम लोग तो भाग जाओगे, आओगे नहीं तो अगले लेक्चर में। तो फिर चलो क्वेश्चन नंबर 9, देख ले भाई राज, देख ले एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई। ईच एंड एवरी वन, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक्स वाई जी लिमिटेड इज कंसिडरिंग मर्जर विद एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड शेयर आर करंटली ट्रेडेड एट ₹20, इट हैज 2,50,000 शेयर आउटस्टैंडिंग एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स अमाउंट टू 5 लाख, एबीसी लिमिटेड एट 1,25,000 शेयर आउटस्टैंडिंग करंट मार्केट प्राइस अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, द मर्जर विल बी इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक स्वॉप। ऑब्वियसली एबीसी लिमिटेड हैज अग्रीड एट अ प्लान अंडर विच एक्स वाई जेड लिमिटेड विल ऑफर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड शेयर, तो ये स्वॉप रेशियो के लिए यूज होगा। व्हाट इज द प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर एंड पी रेशियो निकाल लेंगे, इफ एबीसी लिमिटेड पी रेशियो 6.4 व्हाट इज इट्स करंट मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो, व्हाट विल बी द पोस्ट मर्जर ईपीएस, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ पी लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर टू बी केप्ट सेम, सब चीजें निकाल लेंगे यार, ब्रिंग इट ऑन। बट उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक अच्छी मस्त वाली समरी बना लो, एकदम मस्त वाली समरी बना लो। आओ बनाते हैं अपन लोग दोनों साथ में। एक्स वाई जेड इज कंसिडरिंग मर्जर विद एबीसी, एक्स वाई जेड इज करंटली ट्रेडेड एट वॉट वॉट वॉट, एबीसी का भी वो लोग ने वॉट 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 दिया हुआ है, और एबीसी लिमिटेड हैज अग्रीड टू अ प्लान अंडर व्हिच एक्स वाई जेड विल ऑफर द करंट मार्केट वैल्यू एबीसी लिमिटेड शेयर्स। सो कौन है टारगेट? एक्स वाई जी, सॉरी कौन है अक्वायरर? एक्स वाई जी। कौन है टारगेट? एबीसी। ठीक है, एक हिंट यहां से मिलता है, ये लाइन से ABC has agreed to a plan under which XYZ will offer. XYZ अपना शेयर्स दे रहा है ABC को। अब फटाफट पहले समरी बना लेंगे बेटा।
जो भी इन्फो अवेलेबल है उसके हिसाब से। एक्वायरर टारगेट एंड देन पार्टिकुलर। एक्स वाई जेड शेयर्स आर करंटली ट्रेडेड एट 20। कैन आई से मार्केट प्राइस पर शेयर दे रहा है भाई? लिख लो लिख लो। अच्छा, कौन है अक्वायरर? एक्स वाई जेड ए बी सी 20। इट हैज 2,50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अमाउंट टू 5 लाख। चलो ये सारी चीजें लिख लो। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया? 5 लाख कुछ बड़ा। राहुल लास्ट डे रिवीजन के लिए भी क्वेश्चन मार्क करवा दो। हाँ बेटा जरूर। राज पटेल को अक्वायरर और टारगेट पता नहीं चला। देखना बेटा मैंने इसके लिए हाईलाइट किया बेटा। एक्स वाई जेड लिमिटेड विल ऑफर। ऑफर कौन करता है? अक्वायरर कंपनी अपना शेयर ऑफर करता है टारगेट कंपनी को और बोलता है टारगेट कंपनी तू निकल मेरा शेयर ले ले। उससे पता चलता है आपको। ठीक है राज भाई? ओके चलो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अक्वायरर का है 5 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू लैख 50,000। मार्केट प्राइस पर शेयर 20। वन ट्वेंटी फाइव मार्केट प्राइस 10। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 1,25,000। चल आगे बढ़ते हैं। इमीजिएटली मेरे को ईपीएस मिल जाएगा। कैसे आएगा ईपीएस? ईएटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो 5 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख विच इज 2। 1.25 डिवाइड बाय 1.25 लाख शेयर्स इट इज 1। डन। मुझे एक बात बताओ, एमपीएस है ईपीएस है भाई, डिफॉल्ट तुम्हारे को सूझना चाहिए, कुछ तो दिमाग में आ जाना चाहिए। अरे कभी भी याद रखना, जब भी क्वेश्चन में जरूरत हो कि ना हो, अगर एमपीएस और ईपीएस और पी रेशियो ढूंढ लो, पी रेशियो ईपीएस और एमपीएस ढूंढ लो, या ईपीएस एमपीएस और पी रेशियो ढूंढ लो, जो भी हो अवेलेबल कर दो। कैसे होता है? फॉर्मूला क्या है इसका? एमपीएस अपॉन ईपीएस। कल इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम दिया अपन लोग ने ऑलरेडी गाइस, राइट? अच्छा एमपीएस 20, ईपीएस 2, पी रेशियो 10। यहाँ पे 10/1, पी रेशियो 10, कोई शक किसी को? ओके। व्हाट इज द प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर? निकाल लिया अपन लोग ने 2/1। एंड पी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज 10/10 निकाल लिया अपन लोग ने। तो कैन आई से मेरा फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया, इधर का इधर ही फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। इफ एबीसी लिमिटेड पी रेशियो इज 6.4, वॉट इज इट्स करंट मार्केट प्राइस? चलो आ जाओ सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। मार्केट प्राइस ऑफ एबीसी इफ इट्स पीई रेशियो 6.4, पी रेशियो इंटू ईपीएस इज इक्वल टू एमपीएस। अच्छा ईपीएस कितना है? 1, तो एमपीएस 6.4। सिंपल। ये ईपीएस, ये 1। नेक्स्ट। वॉट इज द एक्सचेंज रेशियो? वॉट विल बी द एक्स वाई जी लिमिटेड पोस्ट मर्जर ईपीएस बी? चलो सबसे पहले वॉट इज द एक्सचेंज रेशियो, तो अभी एक्सचेंज रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशियो। सो सेकेंड का ही सब पार्ट है ये भी, मैं गिनता हूं इसको, सेकेंड का ए सेकेंड का बी। क्या है देखो, एक्सचेंज
एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर। सो कैन आई से मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट और मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ अक्वायरर, टारगेट का कितना है 6.4 अपॉन अक्वायरर का 20। सो स्वॉप रेशियो या एक्सचेंज रेशियो क्या हो जाएगा 0.32। ठीक है, अभी चेंज हो गया ना, पहले एमपीएस 20 और 10 था, अब नया ईपीए एमपीएस 6.4 आ गया, उसके हिसाब से बेस्ड ऑन न्यू एमपीएस लिख दो भाई। नेक्स्ट टू सी व्हाट विल बी द एक्स वाई जेड लिमिटेड पोस्ट मर्जर ईपीएस, तो उसके लिए पहले नंबर ऑफ शेयर्स टू बी गिवन ऑफ अक्वायरर कंपनी टू टारगेट कंपनी। सो कैसे करेंगे कैलकुलेट, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इनटू स्वॉप रेशियो। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी कितना है 125,000, ओके, इनटू 0.32। स्वॉप रेशियो अपन लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.32। सो देखो कितना आता है 40,000 शेयर्स। ठीक है, डन। सो अब पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल सकते हैं अपन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है देखो अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो कितना होता है 5 लाख और 1,25,000 अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो अभी इसको 40,000 मिल रहा है, पहले कितना था 2,50,000 ऑलरेडी है, सो 2,50,000 ऑलरेडी है प्लस 40,000, सो 2,90,000 शेयर्स। तो देखो कितना आता है, बोलो बोलो चल चल बताओ। हाँ भाई 2.16 क्लियर। थर्ड, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ एक्स वाई जेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर टू बी सेम। इनडायरेक्टली वो बोल रहा है स्वॉप रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन ईपीएस, समझे क्या? अगर उसको सेम ईपीएस चाहिए तो स्वॉप रेशियो ईपीएस पे रखो, उसको सेम एमपीएस चाहिए तो स्वॉप रेशियो मार्केट प्राइस पे रखो। ग्रेट, तो लास्ट पार्ट एक्सचेंज रेशियो टू कीप। सो व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेशियो टू कीप द ईपीएस सेम, तो मेरे को अगर अर्निंग प्राइस पर शेयर सेम रखना है तो मैं स्वॉप रेशियो भी मेरा अर्निंग प्राइस पर शेयर के हिसाब से ही वर्कआउट करूंगा, राइट, टू कीप द सेम अर्निंग प्राइस पर शेयर। फटाफट देखो, अब मेरे पास टारगेट कंपनी का शेयर है ही, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, सो देयर इज नो पॉइंट फॉर मी टू रीराइट द फॉर्मूला, राइट। सो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी है मेरे पास, यस सर, 1,25,000 शेयर्स इनटू ईपीएस टारगेट कंपनी का, ईपीएस अक्वायरर कंपनी का कितना है, ईपीएस ईपीएस दोनों का देखो अपन ने स्टार्टिंग में निकाल लिया था 2 और 1, सो 1/2 इक्वल टू 62,500 शेयर्स इशू कर दो, काम हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो 1/2, 1/2 आंसर उधर ही खत्म हो गया भाई, टन टना टन।
टैन पढ़े दो। चल जय बात। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? क्लियर है? हो रहा है एकदम स्मूथली मस्का? शाबाश। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर देवी और सज्जनों। प्रश्न क्रमांक 6। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रश्न क्रमांक 6। आ जाओ 6 पे आ जाओ गाइस। ए लिमिट वॉन्ट्स टू अक्वायर टी लिमिटेड, ऑफर स्वॉप रेशियो 1:2, बाकी सारा डिटेल दिया हुआ है। तो अब अपन भी लिख ही लेते हैं ना यार, क्या बोलते हो? सब डिटेल दिया हुआ है, डिटेल तो अपने को काम ही आता है यार, काम की ही चीज है। चल आ जाओ। सो पहले अक्वायरर कंपनी, फिर टारगेट कंपनी, ए लिमिटेड, टी लिमिटेड। यहां लिखेंगे पार्टिकुलर। चलो क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। पैट दिया है, नो इक्विटी शेयर्स दिया है, ईपीएस पी रेशियो दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है। पैट 18,03,60,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6,01,80,000, ईपीएस खुद ही निकाल लूंगा, तुम क्या दे रहे हो। पी रेशियो भी दिया है, बेस भी दिया है, 10 टाइम्स, 7 टाइम्स, 30, 14। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एंड हैज ऑफर्ड अ स्वॉप रेशियो ऑफ 1:2। ए लिमिटेड वांट्स टू अक्वायर टी लिमिटेड एंड हैज ऑफर्ड अ स्वॉप रेशियो ऑफ 1:2, 0.5 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ टी लिमिटेड। हमको पता है, तुम क्या बता रहे हो क्वेश्चन वालों, हमको पता है स्वॉप रेशियो 1:2। दैट इज 1 शेयर ऑफ ए फॉर 2 शेयर ऑफ। चलो अब क्या क्या पूछा है एक एक करके जवाब देता हूँ। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड, वो तो स्वॉप रेशियो के ऊपर ही बेस देना यार। अरे खुद ही पहले स्वॉप रेशियो भेज देते थे, हमारा तो काम इजी हो गया। सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय अक्वायरर कंपनी टू टारगेट कंपनी, सो शेयर्स ऑफ टारगेट मल्टीप्लाई बाय स्वॉप रेशियो। टारगेट का कितना शेयर्स है? 1,80,000, 1/2, 90,000 शेयर्स। डन। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, वॉट इज द ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर द अक्विजिशन। सो ईपीएस पोस्ट अक्विजिशन बोलो क्या आएगा यहां पे। कंबाइंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
अपॉन कंबाइंड इक्विटी शेयर्स, कंबाइंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 + 3,60,000, 21,60,000 अपॉन कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6,00,000 + 90,000. So 21,60,000 divided by 690, 3.13 per share. Third, determine the equivalent earning per share of T Limited. Hi, not sir. ये क्या होता है equivalent? Equivalent का मतलब बता दो. ये ना मैं already बता चुका हूँ, but अब मैं इसको explain कर देता हूँ. Equivalent earning per share of T Limited. मतलब ये देखो, अभी ये लोग का combined EPS कितना आ गया? 3.13. अब ऐसा सोचो कि आप टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक है? आप टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपको दो के बदले एक शेयर दिया है 0.5 के स्वॉप रेशियो के हिसाब से, दो के बदले एक का शेयर दिया आपको, मतलब 0.5 शेयर मिला आपको, मतलब ये जो 3.3 है, ये जो 3.3 है, एक अक्वायरर का शेयर है, इसमें आपके तो दो टारगेट के शेयर थे, सो कैन आई से आपको 3.3 पूरा पैसा नहीं है, इसमें आपके दो शेयर थे, यानी एक शेयर का आपको कितना अर्निंग मिल रहा है? 3.13 डिवाइड बाय इनटू 1/2 या इनटू स्वॉप रेशियो 0.5. इसी को मैं दूसरी तरीके से यहां से बता सकता हूं. देखो, ये रहा, सपोज यू हैड टारगेट कंपनी शेयर्स प्री मर्जर, तो प्री मर्जर 6,00,000 शेयर्स थे, ईपीएस 3 था, अब शेयर्स कम हो गए, ईपीएस बढ़ गया, तो इक्विवेलेंट हो गया. यहां पे मुझे बताना है, समझ लो इक्विवेलेंट कि भाई मेरे को अभी टी लिमिटेड वाले के पास ए लिमिटेड का शेयर्स है, ठीक है, दो के सामने एक ही मिला है, एक शेयर का अर्निंग पर शेयर कितना है 3.13 इनटू, अपने को तो दो के सामने एक ही मिला है, सो इक्विवेलेंट अगर मैं देखूं तो एक शेयर का 1.565 का अर्निंग पर शेयर बेटर है टारगेट लिमिटेड का. सो इसको कैसे आप करोगे रिप्रेजेंट? सो इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ टी लिमिटेड विल बी ईपीएस ऑफ पोस्ट मर्जर एंटिटी इनटू स्वॉप रेशियो. सो ईपीएस ऑफ पोस्ट मर्जर एंटिटी कितना है? 3.13, बट मेरे को तो एक के सामने, दो के सामने एक ही मिला, मतलब मेरे को तो इफेक्टिवली 3.3 डिवाइड बाय 2 1.565 पर शेयर के हिसाब से मिल रहा है. समझ में आया? वापस से बताता हूं, सुनो, स्टार्टिंग से बताता हूं मैं, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के थ्रू बता दो. एग्जाम्पल, सपोज आप टारगेट कंपनी हो, आप टारगेट कंपनी हो, आपके पास 1,00,000 शेयर्स था, ठीक है सर, अब ये ओल्ड, न्यू में आपको अक्वायरर कंपनी का 50,000 शेयर्स मिला, ठीक है सर, ठीक है, 50,000 शेयर्स मिला. अब हुआ क्या, ये जो कंबाइंड एंटिटी है, ये जो कंबाइंड एनपीएटी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आया, सॉरी कंबाइंड ईपीएस आया है कंपनी का, कंबाइंड ईपीएस पोस्ट मर्जर आया है आपका ₹30, ठीक है. अब मुझे बताओ कि अगर आप टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर हो, अगर आप टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई देखो टोटल कंपनी का ₹30 आया है, अक्वायरर कंपनी का एक शेयर का ₹30 आया है, बराबर है, बट मेरे को तो अक्वायरर कंपनी का एक शेयर मेरे दो शेयर देने पे मिला है, मतलब टारगेट कंपनी का ओरिजिनली दो शेयर था, उसके सामने मेरे को एक शेयर मिला है, वो एक शेयर का वैल्यू ₹30 है, समझ रहे हो? तो इन शॉर्ट, टू टारगेट कंपनी शेयर्स इज इक्वल टू ₹30, सो एक टारगेट कंपनी का शेयर इज इक्वल टू ₹15. यहां पे वही चीज बता रहे हैं, यहां पे वही चीज बता रहे हैं कि भाई देखो, एक अक्वायरर का इज टू टारगेट का, एक टारगेट का ईपीएस है 3.13, एक टारगेट के शेयर का ईपीएस है, दूसरे पेज पे बताओ, एक शेयर अक्वायरर का
इज इक्वल टू टू शेयर्स टारगेट का. अब अक्वायरर का ईपीएस टोटल आया है 3.13, बट साला ये तो एक अक्वायरर का शेयर्स आया ना, क्या 3.13 है ना, बट दिस इज इक्वल टू टू शेयर्स ऑफ टारगेट. वन अक्वायरर शेयर इज इक्वल टू टू शेयर्स ऑफ टारगेट, तो मतलब एक शेयर टारगेट वाले को कितना मिला, 1.65 इक्विवेलेंट पर शेयर. क्योंकि अगर टारगेट का ही शेयर रखा होता तो इफेक्टिवली मेरे को 1.65 पर शेयर मिला, इफेक्टिवली टारगेट वाले के एक शेयर के लिए. अभी तो मेरे पास अक्वायरर का आ गया, तो अक्वायरर के हिसाब से तो 3.13 है, पर टारगेट का ही शेयर रखा होता, मैंने ओरिजिनली टारगेट का ही शेयर रखा होता तो एक इसका दो है, तो मतलब इफेक्टिवली 1.565 पर शेयर मिल रहा है. समझ गया एवरीबॉडी? इजी नहीं है ये समझाना, बट अपने एग्जांपल अच्छा ले लिया तो निकल गया अपन. ठीक है, क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन जाता है इक्विवेलेंट का, ईपीएस ऑफ पोस्ट मर्ज एंटिटी इनटू स्वैप रेशियो. चलो नेक्स्ट. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन assuming its PE remains unchanged. ठीक, क्या पूछा है? Expected market price per share of A Limited after acquisition. So पूछा क्या है? MPS of acquirer post merger. Post merger. ठीक है? तो क्या होता है वो? EPS post merger multiplied by PE ratio post merger. उसने क्या बोला, देखो ईपीएस पोस्ट मर्जर मैं निकाल चुका हूं भाई, ईपीएस पोस्ट मर्जर मैं निकाल चुका हूं 3.13 पर शेयर. सो 3.13 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो पोस्ट मर्जर. वो लोग ने बोला है अज्यूमिंग इट्स पी मल्टीपल रिमेन्स अनचेंज, सो इधर अपन लोग बोलेंगे सेम एज प्री मर्जर. सो 3.13 इंटू 10 इक्वल टू 31.3 पर शेयर. एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर. नेक्स्ट, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड फर्म. बहुत सिंपल, सबसे सिंपल, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म क्या आएगा? सो जब भी वर्ड मार्केट वैल्यू आए, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन. ठीक है, करेक्ट. मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. मार्केट प्राइस पर शेयर पोस्ट मर्जर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सीधी सी बात है पोस्ट मर्जर. क्यों ऐसा? क्योंकि वो लोग ने पूछा ऑफ द मर्ज्ड फर्म. अच्छा, मार्केट प्राइस पर शेयर पोस्ट मर्जर अभी निकाला हमने, 31.3 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पोस्ट मर्जर, 6,90,000. 90,000 shares. Final answer 2,15,97,000. जी हा, इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट. एनी डाउट्स एनीबॉडी? क्लियर क्लियर क्लियर? चलो अभी बोलो. चलो ठीक है.
डन 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 क्या, दैट्स इट, बोलो तुम लोग बोलो, उस हिसाब से आगे का बात करते अपन भाई। एक होमवर्क तो ले लो फिर, होमवर्क ले लो फिर, चलो डन करता हूं मैं, बट एटलीस्ट एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, क्वेश्चन नंबर 12 विल बी योर होमवर्क, ठीक है। चलो अभी कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना वो भी बता दो, 6 हो गया, आई गेस 9 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 4 किया, 6 किया, 9 किया, होमवर्क में 12 दिया, ठीक है। चलो ओके, टाइम फॉर वीडियो से आस्ता ला विस्ता, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, विल कीप इट एट अ लेवल जब सबको जितना सब समझ रहा है, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। यस, नोट्स में अभी के बीच अपलोड कर रहा हूं, डोंट वरी, श्योर। बाय, कब मिलते हैं, कल आना सब लोग, ठीक है, होमवर्क करते रहना बस, और फाइनेंस में क्या चाहिए बताते रहना बस, सी यू, नोट्स अपलोडेड।